हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है डीरेल्ड, और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 6.6 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम चार्ल्स नाम के बंदे और उसकी फैमिली को देखते हैं। फैमिली में उसकी वाइफ और एक बेटी है। बेटी को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उन्होंने अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाने के लिए बहुत ट्राई किया लेकिन उसकी बॉडी इन ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन एक न्यू मेडिसिन आ चुका है जो बहुत ही एक्सपेंसिव था। चार्ल्स और उसकी वाइफ मिलकर बहुत मन लगाकर काम करते हैं। पिछले 7 सालों में उन्होंने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। एक दिन जब चार्ल्स अपने काम पर जा रहा था तब वो अपनी ट्रेन मिस कर देता है। वो पहले ही लेट हो चुका था और इस वजह से अपनी दूसरी ट्रेन का टिकट नहीं ले पाता और TC उसे पकड़ लेती है। अब वो परेशानी में आने वाला था, लेकिन ट्रेन में एक और लेडी थी जिसका नाम लुसिंडा था। ये सब सुनने के बाद वो चार्ल्स के लिए टिकट खरीद लेती है। फिर चार्ल्स उसे कहता है, मुझे तुम्हारे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, अगर कल तुमने यही ट्रेन ली तो हम यहाँ पर मिल सकते हैं। लुसिंडा फिर हंसते हुए कहती है, कल तो तुम्हें टैक्स भी इसके साथ पे करना होगा। यहीं से इन दोनों में काफ़ी बातचीत स्टार्ट हो गई थी और ये एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में भी जान लेते हैं। लुसिंडा एक बहुत बड़ी फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर थी और चार्ल्स एक बड़ी कंपनी में काम करता था। इन दोनों का सफ़र ख़त्म होने के बाद चार्ल्स कहता है, कल मैं तुम्हें इसी ट्रेन में मिलूँगा। इसके बाद लुसिंडा कहती है, कल हमारी एक डेट हो जाएगी। चार्ल्स को लुसिंडा से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद अगले सीन में हम चार्ल्स को उसके ऑफिस में देखते हैं। यहीं पर हम विंस्टन नाम के बंदे को देखते हैं। विंस्टन भी यहाँ पर काम करता था। ये दोनों एक इंसिडेंट के बाद अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। एक रात विंस्टन इनलीगली यहाँ से कंप्यूटर चुरा रहा था। चार्ल्स ने इसे देख लिया लेकिन इग्नोर कर दिया। विंस्टन इस बात के लिए उसे बहुत ही ग्रेटफुल था। ऑफिस में चार्ल्स की एक मीटिंग होती है जिसमें उसे पता चलता है एक बहुत ही बड़े अकाउंट से उसे निकाल दिया गया है। वो अपने बॉस पर नाराज़ होता है, लेकिन उसका बॉस कहता है, आजकल तुम राइट माइंड में नहीं हो, अपने आप को इम्प्रूव करो और फिर से तुम्हें अलग अलग क्लाइंट्स मिल जाएंगे। इसका बॉस बहुत ही ईजी कम्फर्टिंग कैरेक्टर था। चार्ल्स की वाइफ अपनी बेटी का ध्यान रखने में इतनी बिजी थी कि चार्ल्स को देने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। ये दोनों अपनी बेटी को लेकर हमेशा टेंशन में होते हैं तो इस वजह से घपाघप भी नहीं कर पाते। अगले दिन चार्ल्स फिर से ट्रेन में लुसिंडा से मिलता है। ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए अपनी फैमिली के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। लुसिंडा भी मैरिड थी। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। चार्ल्स को ऑफिस जाने के बाद लुसिंडा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो जहाँ पर काम करती थी उस वेबसाइट से उसने लुसिंडा का नंबर निकाला। उसे कॉल करके रात में डेट के लिए बुला लेता है। लुसिंडा भी डेट के लिए आ जाती है। फिर चार्ल्स लुसिंडा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। लुसिंडा उसे बताती है, वो हमेशा अपने काम के चलते टाउन से बाहर ही रहता है। काम करते हुए हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। चार्ल्स ने भी अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में लुसिंडा को बताया। इन हस्बैंड वाइफ में अब कुछ भी रोमांस नहीं था। इसके बाद ये लोग ड्रिंक करते हैं और चार्ल्स उसे किस कर लेता है। लुसिंडा कहती है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज तक मैंने अपने हस्बैंड पर कभी चीट नहीं किया है। ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी एक आदमी आकर लुसिंडा को अप्रोच करता है। ये बहुत ही बदतमीज था। चार्ल्स उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो चार्ल्स को भी गाली देता है। फिर चार्ल्स उसे एक पंच मारता है और दोनों होटल से बाहर आकर फिर से किस करने लगते हैं। इसके बाद ये कैब लेकर एक होटल में जा रहे थे। चार्ल्स जिस होटल में जाना चाहता था उसे लुसिंडा मना कर देती है। लुसिंडा ने एक ऐसे होटल को चूज़ किया जहाँ पर उसे सेफ लगता था। वहाँ पर जाकर ये लोग एक रूम बुक कर लेते हैं। ये इंटीमेट होने लग गए थे तभी वहाँ पर गन लेकर एक राउडी पहुँच जाता है। चार्ल्स काफ़ी डर जाता है। वो कहता है, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम ले सकते हो। वो गुंडा सिर्फ पैसे लेने के बाद नहीं मानता। वो चार्ल्स को जख्मी करता है और लुसिंडा के साथ ज़बरदस्ती करने के बाद यहाँ से चला जाता है। जब चार्ल्स को होश आता है तब वो बहुत ही गिल्टी महसूस करता है। वो सोचता है, मेरी ही वजह से लुसिंडा के साथ ये सब कुछ हुआ है। लुसिंडा भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। चार्ल्स कहता है, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। लुसिंडा उसे मना करती है। वो कहती है, ऐसा करने से मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा। इसके बाद चार्ल्स की मरहम पट्टी करने के बाद ये दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा जख्मी था इसलिए उसके बॉस देखकर कहते हैं, आज घर जाकर रेस्ट करो। घर आकर वो अपनी वाइफ को बताता है, एक गुंडे ने मुझे लूट लिया। इसके बाद चार्ल्स को फिर से उस गुंडे का कॉल आता है। गुंडे का नाम लैरोस होता है। लैरोस कहता है, मुझे $10,000 चाहिए वरना मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगा। तुम होटल में क्या कर रहे थे, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए चार्ल्स लुसिंडा के पास जाता है।
कुछ पैसे लुसिंडा उसे देती है और कहती है मेरे हस्बैंड को पता ना चले इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इतने ही पैसे दे सकती हूँ। चार्ल्स के पास जो भी पैसे थे ये उसकी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए थे, उन पैसों से कोई भी पैसा वो नहीं ले सकता था। फिर उसने अपनी कंपनी के अकाउंट से 20,000 की चोरी कर ली। फिर वो अगले दिन जाकर लैरोस को दे देता है। लैरोस जाते हुए भी चार्ल्स को मार के जाता है। चार्ल्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था इसलिए वो अपने बॉस से बात करता है। वो अपने बॉस से कहता है मैंने अपनी वाइफ पर चीट किया। उसका बॉस कहता है हर कोई अपनी वाइफ पर चीट करता है, इस बात को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो। इसके बाद चार्ल्स एक जगह बैठकर स्मोकिंग कर रहा था तब उसका फ्रेंड विंस्टन उसके पास आता है। वो कहता है हाई स्कूल में मैं भी स्मोक करता था, फिर एक दिन ड्रग्स लेने की वजह से मुझे जेल में डाल दिया गया। चार्ल्स कहता है तुम्हारा जेल में एक्सपीरियंस कैसा था। विंस्टन कहता है मुझे वहाँ जिंदा रहने के लिए एक आदमी को मारना पड़ा था। जेल में जिंदा रहने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके बाद चार्ल्स जब घर जा रहा था तब लैरोस का फिर से कॉल आया। वो कहता है मुझे और भी पैसे चाहिए। चार्ल्स उस पर नाराज़ होता है। वो कहता है मैंने तुम्हें अभी तो पैसे दिए हैं, अब तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। लैरोस कहता है अगर तुम सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो मुझे $100,000 दे दो, इसके बाद तुम मुझे फिर से कभी नहीं देखोगे। चार्ल्स ने अचानक रियलाइज़ किया लैरोस के पास उसका ये नंबर कैसे आया। ये कॉल उसने चार्ल्स के घर से ही किया था। घर पहुंचने के बाद लैरोस चार्ल्स से इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो उसका फ्रेंड हो। चार्ल्स बहुत डर जाता है। चार्ल्स की वाइफ जब यहाँ से चली जाती है तब वो लैरोस को मारने वाला था लेकिन लैरोस उसे इंजर्ट करके चला जाता है। ये सारी बातें चार्ल्स अपने लॉयर को बताता है लेकिन लॉयर कहता है जब लैरोस ने तुम पर पहली बार अटैक किया था तभी तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, अब तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। चार्ल्स बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। इवनिंग में ड्रिंक लेने के लिए वो विंस्टन के साथ आया था। वो सारी सिचुएशन विंस्टन को बता देता है। विंस्टन कहता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं जाकर उसे धमका देता हूँ, इसके बाद वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। इस काम के लिए वो चार्ल्स से $10,000 मांगता है। चार्ल्स उसे देने के लिए रेडी था। चार्ल्स ने फिर से अपनी कंपनी से $10,000 चुरा लिए थे। फिर रात में वो विंस्टन के साथ उस लोकेशन पर पहुँच जाता है लेकिन पीछे से डायरेक्टली लैरोस विंस्टन को मार देता है। वो चार्ल्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अब मुझे जल्द से जल्द बाकी पैसे भी चाहिए। चार्ल्स यहाँ से निकलने वाला था तभी वहाँ पर एक सेक्स वर्कर आ जाती है। चार्ल्स उसे मना कर देता है और विंस्टन की बॉडी को छुपा लेता है। काफ़ी रात हो चुकी थी इसलिए पेट्रोलिंग करते हुए वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है लेकिन विंस्टन की डेड बॉडी वो लोग नहीं देख पाते। इसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और चार्ल्स विंस्टन की डेड बॉडी और उसकी गाड़ी एक नदी में डाल देता है लेकिन वो कार पूरी तरह से नहीं डूबती और चार्ल्स जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर चार्ल्स के ऑफिस में आया। एक्चुअल में वो विंस्टन का कज़िन भी होता है। चार्ल्स ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। पुलिस ऑफिसर उससे बात करना चाहता था लेकिन तभी चार्ल्स को लैरोस का कॉल आ जाता है। फ़ोन पर लैरोस चार्ल्स को लुसिंडा की चीखें सुनाता है। चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसने अपनी बेटी के लिए जो भी पैसे रखे थे वो सारे अकाउंट से निकाल लेता है। फिर लैरोस की लोकेशन पर आकर उसे सारे पैसे दे देता है। वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लुसिंडा को चार्ल्स के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि ये सारे पैसे चार्ल्स ने अपनी बेटी के इलाज के लिए रखे थे। रात में फिर से चार्ल्स उस पुलिस वाले से मिलता है। वो चार्ल्स से अलग अलग तरह के क्वेश्चन करता है लेकिन चार्ल्स कुछ भी कंफर्म नहीं करता। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था। फिर वो अपनी वाइफ को बताता है सारे पैसे जा चुके हैं लेकिन वो इसे वापस लेकर आने वाला है, जिसके लिए वो अपने लॉयर से बात करता है। वो जाकर पुलिस को सारी चीज़ें बताने वाला था लेकिन उससे पहले वो लुसिंडा से मिलने के लिए आता है। ऑफिस में आने के बाद उसे पता चलता है लुसिंडा वहाँ पर सिर्फ टेम्प्ररी जॉब कर रही थी, वहाँ पर उसे कोई भी पोजीशन नहीं थी। चार्ल्स इस बात से और ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो लुसिंडा के घर पर जाता है जहाँ पर उसने लैरोस को पैसे दिए थे। वहाँ जाकर उसे पता चलता है ये घर भी रेंट का था। वहाँ की ऑनर उसे बताती है वो सिर्फ यहाँ पर रेंट पर रह रही थी। इसका मतलब साफ था लुसिंडा ने अब तक जो कुछ उसे बताया था वो सब कुछ झूठ था। फिर वो लुसिंडा को ढूंढने के लिए लुसिंडा हमेशा जो ट्रेन लेती है वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर वो देखता है लुसिंडा किसी और के साथ थी। फिर वो इन दोनों का पीछा करता है। कुछ टाइम बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद लुसिंडा जाकर लैरोस से मिलती है। एक्चुअल में लैरोस उसका बॉयफ्रेंड था। ये सब कुछ प्लान इन दोनों ने मिलकर किया था। इसके बाद चार्ल्स फुल डे उसका पीछा करता है। इससे पहले वो चार्ल्स को जिस होटल में लेकर आई थी आज वो वहाँ पर किसी और को लेकर आई थी। चार्ल्स ने उनके रूम के साइड का रूम बुक कर लिया था
लुसिंडा उस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी, तभी लैरोस आकर उस आदमी को धमकाने वाला था। चार्ल्स ये सब देखता है और लैरोस को बेहोश कर देता है। बाहर लैरोस का एक और आदमी था, लेकिन अब तक उसका ध्यान इन दोनों पर नहीं गया। चार्ल्स लैरोस को घसीटते हुए लुसिंडा के रूम में लेकर आता है। लुसिंडा जिस आदमी के साथ थी उसे कुछ भी समझ नहीं आता, आखिर हो क्या रहा है। फिर चार्ल्स उसे सब कुछ समझा देता है। लुसिंडा कहती है, मैं इस आदमी को जानती भी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। चार्ल्स कहता है, मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। ऐसे ही बात करते हुए लैरोस को भी होश आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलने वाले। लुसिंडा डर जाती, वो कहती है, हम चार्ल्स को पैसे दे देते हैं और यहाँ से वापस चले जाएंगे। लैरोस चार्ल्स से कहता है, इसे तो बहुत बुरा लगा था कि हमने तुम्हारी बेटी के इलाज के पैसे तुमसे ले लिए। लैरोस और लुसिंडा आपस में लड़ रहे थे। फिर लुसिंडा जिस आदमी के साथ वहाँ पर आई थी, वो आदमी उन पर हमला कर देता है। मौके का फायदा उठाकर लैरोस उस आदमी को मार देता है। वो चार्ल्स को भी मारने वाला था, लेकिन उसकी गन की बुलेट खत्म हो गई थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर उसका आदमी अंदर आने वाला था। चार्ल्स उसकी गन ले लेता है और लैरोस को मार डालता है। वो आदमी भी चार्ल्स पर भारी पड़ने लग गया था, इसलिए चार्ल्स उसे भी गन से मार देता है। ये सब गोलियां चल रही थी तब इसमें लुसिंडा की भी डेथ हो जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। चार्ल्स से जब इसके बारे में पूछा जाता है तब वो कहता है, मैं सामने के कमरे में था, मुझे यहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई दी, उस पर कोई भी ज़्यादा शक नहीं करता। जब वो नीचे आता है तब वो नोटिस करता है लगेज में उसकी बैग पड़ी हुई है। उस बैग में उसका नाम पड़ा हुआ था। वो अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर बैग लेकर चला जाता है, उस पर कोई भी शक नहीं करता। इस बैग में ही सारे पैसे होते हैं। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस में जाता है तब उसके बॉस को उसकी चोरी के बारे में पता चल चुका था। बॉस चार्ल्स से कहता है, तुमने जो भी पैसे लिए हैं ये वापस कर देना और कोर्ट तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं देगा। वो फिर से अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि उसका बॉस उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसे पता था वो आजकल किसी परेशानी में था, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। चार्ल्स भी इस बात के लिए मान जाता है। अब मूवी में काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। चार्ल्स को सज़ा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस मिली है। उसे जेल में जाकर कैदियों को कुछ सिखाना पड़ता है। एक दिन उसने सारे कैदियों को ऐसे लिखने के लिए कहा था, फिर उसे एक नोटबुक मिलती है। अब तक चार्ल्स के साथ जो कुछ भी हुआ था ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थीं। नोटबुक के पीछे लिखा हुआ था, तुम मुझे लॉन्ड्री रूम में मिलो। चार्ल्स के पहुँचने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लैरोस अब भी जिंदा है। लैरोस कहता है, जब मुझे पता चला तुम यहीं पर टीच कर रहे हो तो मैं बहुत खुश हुआ। लैरोस उसे मारने वाला था, लेकिन चार्ल्स उसके पेट में एक वुडन चाकू डाल देता है। चार्ल्स कहता है, मैंने जानबूझकर इसी जेल को चूज किया। जिस चाकू से उसने लैरोस को मारा था ये चाकू उसे विंस्टन ने गिफ्ट किया था। फाइनली उसने विंस्टन की डेथ का बदला ले लिया था। लैरोस की डेथ के बाद सबकी इन्वेस्टिगेशन होती है। जो डिटेक्टिव था वो विंस्टन का कज़न था, उसे सारी बात पता चल गई थी कि एक्चुअल में क्या हुआ था। लेकिन विंस्टन की मौत का बदला चार्ल्स ने लिया था, इस बात से वो चार्ल्स को जाने देता है और सारे एविडेंस को कवर अप कर लेता है। अगले सीन में हम चार्ल्स के घर पर देखते हैं, उसकी बेटी का ऑपरेशन हो चुका है, वो अब स्कूल भी जा सकती थी और उसकी वाइफ का रिलेशनशिप भी अब अच्छा हो चुका है। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।